नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की कि मकर संक्रांति कब है, इसे किस प्रकार से मनाया जाता है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर साल देखते हैं, आपके पिछले दो साल से आप देख रहे हैं कि लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअल में मकर संक्रांति कब है। कोई बोलता है कि 14 को है तो कोई बोलता है 15 को है। अक्सर पिछले दो सालों से ऐसा ही होता आ रहा है, कहीं कहीं भारत में कहीं कहीं मकर संक्रांति 14 को मना ली जाती है तो कहीं 15 को मनाई जाती है। लेकिन इस साल जो है मकर संक्रांति एक्चुअल में 14 जनवरी को ही है। इसका कारण यह है कि इस साल 14 जनवरी को 8:14 से संक्रांति लग जाएगी, यानी सुबह 8:14 से संक्रांति शुरू हो जाएगी। इस कारण से कन्फ्यूजन की कोई भी गुंजाइश नहीं है, मतलब इस साल जो संक्रांति है वो 14 नवंबर को ही होने वाली है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन तो आपका दूर हो गया कि संक्रांति कब है। अब ये संक्रांति जो है, ये 14 तारीख की जो संक्रांति है वो बहुत ही स्पेशल संक्रांति होने वाली है। अब आप बोलेंगे कि यार स्पेशल संक्रांति क्यों, इसमें ऐसी क्या बात है जिसके कारण इस संक्रांति को स्पेशल संक्रांति कह रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि इस दिन चार ग्रह, यानी सूर्य तो मकर राशि में जाएंगे ही, साथ ही साथ इसमें चार ग्रह ऑलरेडी पहले से ही मकर राशि में होने के कारण ये संयोग और भी दुर्लभ बन जाता है। क्योंकि इस समय पांच ग्रह, इसको पांच ग्रही संयोग बोलते हैं, यानी टोटल मिला के पांच ग्रह एक ही राशि यानी मकर राशि में होंगे। इस कारण से इस संक्रांति का महत्व और भी बढ़ जाता है। देखिए, जो सूर्य होता है वो राजा होता है, तो राजा का स्वागत करने के लिए ऑलरेडी चार ग्रह है। अब चार ग्रह में गुरु जो कि उनके गुरु है, दूसरी बात अगर बुध की बात करें वो भी मकर राशि में ही होंगे। बुध जो होता है युवराज की भूमिका में रहते हैं और चंद्रमा जो है वो रानी की भूमिका में रहते हैं, और इसी टाइप से जो शनि है वो प्रजा के रूप में रहते हैं, यानी कि राजा के स्वागत करने के लिए सारे ही लोग मौजूद हैं। इस कारण से इस संक्रांति का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये जो संक्रांति है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है, इस कारण से इस संक्रांति को नंदा संक्रांति भी कहा जाता है। और साथ ही साथ चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होने के कारण इस संक्रांति को महोदरी संक्रांति भी कहते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस दिन क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये तो सब जानते ही हैं कि इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए, वो भी तिल के साथ। तिल यानी तिल्ली का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तिल्ली का यूज़ ना कर सको तो तिल्ली के तेल का यूज़ करके आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि जो तीर्थ स्थान है उस पर जाकर स्नान करना चाहिए या फिर नदी तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप तीर्थ स्थान नहीं जा सकते, नदी तालाब नहीं जा सकते, तो आप घर में ही जिस बाल्टी के पानी से स्नान करते हो उसी में आप गंगा जल या कोई भी जो पवित्र नदी है उसका पानी उसमें डाल सकते हो और उससे स्नान कर सकते हो। दूसरी बात यह कि इस दिन जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो, उस देवता की अगर आराधना की जाए तो इसका फल बहुत मिलता है। इस दिन अगर आप भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर की गाय के दूध से अगर अभिषेक करते हैं, तो इसका बहुत ही फल मिलता है और आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। इस दिन दीप दान का भी बहुत महत्व है। यदि आप भगवान शंकर को गाय के घी का दीपक दान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो इसका भी बहुत ही महत्व होता है। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से किसी भी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसमें से जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से किसी का भी आप पाठ कर सकते हो। आप अर्गला का पाठ कर सकते हो, आप कवच का पाठ कर सकते हो, सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ कर सकते हो, किसी भी जो भी उसमें ठीक आपको लगे, जो कम समय में हो सके आप उसका पाठ कर सकते हो। आप राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कर सकते हो। इनमें से कोई भी चीज़ जिस भी भगवान को आप मानते हो उसकी आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। अगर आप उच्च पद को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मान सम्मान बढ़े, आपके सरकारी नौकरी लगे, तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए और इस दिन से आप भगवान सूर्य की आराधना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन कभी भी पुराने वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो यार आज दान करके आए तो सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो अपनी उतरी हुई स्वेटर या कुछ भी चीज़ दान करिए आए, लेकिन इस दिन आपको अपने पुराने वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये सब चीज़ जो मैंने बता रहा हूँ वो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर ऐसे दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
तो कैसे लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।